शांति। आज ब्रह्मा बाबा का ये 18वां कदम है अव्यक्त से व्यक्त में आने का अभ्यास। जैसे ब्रह्मा बाबा अव्यक्त होते व्यक्त में प्रवेश होकर के कार्य करते हैं, वैसे आप बच्चे अपनी अव्यक्त स्थिति में रहकर व्यक्त कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ। दृष्टि, वाणी, संकल्प सब पाप समान हो। जैसे ब्रह्मा बाबा बेहद का बाप है, ऐसे बच्चों को भी बाबा के समान बनना है, क्योंकि जितनी समीपता होगी उतना ही समानता होगी। अंत में आप बच्चे भी अपनी रचना के रचयिता बनकर प्रैक्टिकल में ये अनुभव करेंगे। जैसे बाबा को अपनी रचना देखकर रचयिता के स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है, ऐसी स्टेज आप बच्चों की भी नंबर वार आनी है। ओम शांति।